हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपको बैडमिंटन का फुल फॉर्म बताऊंगा, यानी कि बैडमिंटन में कोई ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है कि बैडमिंटन का भी फुल फॉर्म है, बट मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप एक बैडमिंटन प्लेयर हो तो आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, यानी कि आप में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं, और अगर नहीं है तो आपको वो सारी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करनी चाहिए। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक बैडमिंटन प्लेयर का कैरेक्टरिस्टिक है, और ये आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो जानते हैं कि वो क्या है। तो फर्स्ट चीज़ जो है वो हमारा बी। बी स्टैंड फॉर बिहेवियर, यानी कि आप जब बैडमिंटन कोर्ट के ऊपर हो तो आप कैसा बिहेव करते हो, आप लोगों से कैसा बिहेव कर रहे हो, यानी कि जो अंपायर है आप उससे कैसे बात करते हो, आपका लोगों से बात करने का तरीका कैसे, जो आपके जूनियर से आप उनके से उनसे कैसे बात करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, आप अच्छा खेलते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ख़राब खेलता है उससे आपको अच्छे से बात नहीं करना है। तो आपका बिहेवियर बहुत ही स्वीट होना चाहिए, क्योंकि ये आपको ये डिफाइन करता है कि आप कैसे प्लेयर हो। आपका गेम अच्छा है ये वो मैटर नहीं करता है, आपका बिहेवियर कैसा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बीइंग अ बैडमिंटन प्लेयर, आपका बिहेवियर जो है वो हमेशा अच्छा रखना है, भले आप कितना भी अच्छा खेलो या आपसे जो भी छोटा प्लेयर है या कोई बड़ा प्लेयर है, डजंट मैटर, आपका बिहेवियर हमेशा दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए। ए, ए स्टैंड्स फॉर एम्बिशन, यानी कि जब आप बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया, आपका मैच चल रहा है, तो आपका जब मैच स्टार्ट हुआ है तो ये नहीं कि जब सामने वाला प्लेयर लूज़ है तो आप उसको देख के अपना गेम लूज़ कर रहे हो। जो आपका एक एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से ही खींच के उस पॉइंट्स को लेकर लास्ट तक ले जाओ, यानी कि ये नहीं कि आपका लूज़ प्लेयर हो तो आप उसके अकॉर्डिंग ही लूज़ खेलने लगो और अपना गेम फिर उसको बर्बाद कर दो। मतलब जो आपका नेचुरल गेम है वो आपको खेलते रहना है, ये नहीं कि आप सामने वाले को लूज़ देखे और उसके बाद आप मजाक खेलना स्टार्ट कर दिए, आप अच्छा नहीं खेल रहे हो, मजाक में ले रहे हो, सीरियसली नहीं ले रहे हो, इससे आपका नाम खराब होता है। सामने वाला जो देखता है उसको लगता है अरे यार ये अच्छा खेला है, इसका मतलब ये मजाक उड़ा रहा है। ऐसा नहीं करना है, आपका एम्बिशन होना चाहिए कि जो आपका गोल है वो आपका मैच जीतना है। तो जीतने का मतलब ये नहीं कि आप उसको फिर मजाक में खेलो, आपका एक पूरा अगर आप 21-5 से जीत सकते हो तो आप उसको वहीं पे अप करो, ये नहीं कि आप उसको मजाक में ले जाकर 21-19 तक ले जा रहे हो, ठीक है, तो फिर देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। आपका जो एक ट्रू डिजायर टूवर्ड्स द सक्सेस होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसको मजाक में खेल रहे हो। डी, डी स्टैंड्स फॉर डेडिकेशन, तो अगर आप एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते हो, सीरियस बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते हो और आपके अंदर डेडिकेशन ही नहीं है, अब डेडिकेशन नहीं है का मतलब क्या है, यानी कि आपको खेलने जाना था सुबह 5 बजे और आपको आ रही है नींद, आप उठ नहीं पाए या आप उठना नहीं चाहे, तो ये आपका डेडिकेशन शो नहीं करता है। अगर आप एक बैडमिंटन प्लेयर हो तो आपको 5 नहीं 4 बजे भी उठना पड़ेगा अगर आप खेलना चाहते हो तो। अगर आप यही बहाने बना रहे हो कि यार पैर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, अरे आज छोड़ो आज कौन खेलेगा कल जाएंगे, तो ये डेडिकेशन नहीं है आपका। आपका डेडिकेशन ऐसा है कि आपको जाना है तो जाना है चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अगर हम डेडिकेशन की बात करें तो आप ली चोंगवे को देखो, उनका डेडिकेशन कितना ज़्यादा है, वो एक दिन मैच जीते थे, वो BWF का मैच जीते थे, उसके नेक्स्ट डे ही वो शाम को यानी कि प्रैक्टिस में ही चले गए। अब सोचो उनमें क्या था, अगर वो चाहते तो इन्जॉय कर सकते थे, अपने पार्टी कर सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, उनमें एक डेडिकेशन था, तभी इसीलिए वो लेजेंड के नाम से जाना जाते हैं, क्योंकि उनमें डेडिकेशन था, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था, और हमेशा से वो लेजेंड इसीलिए रहे क्योंकि उनमें जो डेडिकेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते हो, सीरियस बैडमिंटन प्लेयर, तो आप में वो डेडिकेशन दिखना चाहिए। मतलब आपका जो टाइमिंग है खेलने का जाने का, आपको उसमें और कुछ भी नहीं करना है, आप भले दूसरी चीज़ें से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो लेकिन जो आपका प्रैक्टिस टाइम है आप उससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तो आप में डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको जाना है, खेलना है और सीखना है, ठीक है। जब तक ये डेडिकेशन नहीं आएगा ना तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये डेडिकेशन आपको खुद का होना चाहिए, ये नहीं कि पेरेंट्स घर वाले ज़बरदस्ती भेज रहे जाओ जाओ खेलने जाओ और फिर आप ऐसे इस बैग उठा के आ जा रहे हो, ठीक है, ये ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर सीखना है तो आपका डेडिकेशन खुद का होना चाहिए, यानी कि सेल्फ डेडिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जब भी कुछ भी चीज़ खेल रहे हो, ये बात नहीं कर रहा बैडमिंटन का, बट अगर आप सीखना चाहते हो तो आपका डेडिकेशन आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। एम, एम स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन, अब ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाइफ में आपको ना जो सबसे ज़्यादा कोई मोटिवेट कर सकता है ना वो कोई और नहीं, पता है कौन है, वो आप खुद हो। क्योंकि अब जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना वो अपने आपको बहुत ज़्यादा ये मोटिवेट करता है और अपने आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैंने देखा है कि मोटिवेशन जो होता है दूसरों से मिलता है, ठीक है, उसको हम सुनते निकाल देते, बट जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा हमें लाइफ में हेल्प करती है। यानी कि मतलब ये है कि अगर आप कोई मैच हार गए हो, बहुत अच्छे लेवल पर हार गए हो या कहीं भी हार गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बाद उस गेम को छोड़ दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खराब खेलते हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस कम की हो इसलिए सामने वाला अच्छा खेला हो तो वो जीत गया हो, या हो सकता है आप सामने वाला अच्छा ना भी हो बट कुछ मिस्टेक की वजह से आपने हार गए हो, तो अब यहाँ पे आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, और गेम के बीच में भी अगर आपका 2-4 पॉइंट चला गया तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं आप कम बैक करूँगा, आई विल कम बैक, ठीक है, ऐसा करके आपको खुद को मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन ही काम आएगा। क्योंकि जब आपका मैच चलता है ना तो आपको आप खुद ही अलाउ नहीं होता कि आप अपने कोच से जाके बात करो, आप अपने कोच से कब बात करोगे, जब 11 पॉइंट्स का ब्रेक हुआ,
या फिर जब बोलते हैं कि ड्रिंक ब्रेक होता है तभी आप जाकर उनसे बात कर सकते हो। आपको बार बार तो कोच बाहर से मोटिवेट नहीं करेगा ना, तो आपको कौन मोटिवेट करेगा? आप खुद। आई नोन फॉर द इंटेलिजेंस मीन्स जब आप बैडमिंटन खेलो तो ये नहीं कि बस आप शटल आ रही है तो आप बस पार कर रहे हो, शटल आई मार दिए, शटल कहीं भी मार रहे हो, ऐसा नहीं चलता है। आपका यहाँ पर इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा काम करता है। इंटेलिजेंस मीन्स ये कि आपको देखना है कि जगह खाली कहाँ पे, खाली जगह कौन से है, कहाँ पे आपको प्लेसमेंट करना है, प्लेयर किधर मूव कर रहा है, प्लेयर किधर नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, और प्लेयर की वीक पॉइंट क्या है, कहाँ पे नहीं है, प्लेयर कहाँ पे कम पॉइंट पे मार रहा है, ठीक है, मतलब कि आपको सब कुछ नोट करना है और आपका इंटेलिजेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करेगा। इस तरह से अगर आप देखोगे और आप मतलब बोलो सिंपल भाषा में बोलो तो आपको दिमाग ला के खेलना है, ठीक है, मतलब कि देख के आपको प्लेयर को भगाना है, प्लेयर को जानना है, उसको परखना है कि कैसा प्लेयर है ये, ठीक है। तो आप अगर बैडमिंटन प्लेयर हो तो आप में इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए, तभी एक अच्छा गेम खेल सकते हो ना। ये तो नहीं कि आप कहीं भी शटल बस मारे जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। सामने वाला तो फिर आपको धो देगा, वो कहीं भी मार देगा, फिर वो खाली जगह पे मारेगा, आपको भगाएगा। इसलिए आपको दिमाग लाकर पूरे मैच में खेलना होता है। इसलिए आपका इंटेलिजेंस जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप कोई भी मैच खेल रहे हो। एन स्टैंड फॉर नेचुरल मीन्स मैंने बहुत सारे प्लेयर को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगते हैं, ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। तो आप अगर एक बैडमिंटन प्लेयर हो, अच्छा खेलते हो या अच्छा नहीं खेलते हो, या बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हो, डजेंट मैटर, आपको शो ऑफ क्यों करना है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे प्लेयर को देखा जो शो ऑफ करते हैं। अगर आप शो ऑफ कर रहे हो इसका मतलब आप प्लेयर नहीं हो, आप में वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो आपको प्लेयर बनाती है। आपको प्लेयर बनाती है आप जितना ज़्यादा नेचुरली बिहेव करोगे, मीन्स आपको कभी भी ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। अरे ठीक है, आप अच्छा खेलो, आपके पास अच्छा फीडबैक, अच्छा रैकेट है, कोई बात नहीं, है तो है, आप अपना गेम से शो करो ना, आपको ऐसा दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओवर एक्टिंग कभी नहीं करना गेम के बीच में। अब मैंने देखा है कि आप ओवर एक्टिंग करने लगते हो, स्टाइलिश शॉट खेलने लगते हो, ये वो, ये खेलने की जरूरत नहीं है, आपको नेचुरली खेलना है। आप जितना नेचुरली खेलोगे आप उतना ज़्यादा अच्छा करोगे, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी शो ऑफ नहीं करना है और आपको ओवर एक्टिंग नहीं करना है गेम के बीच में। टी स्टैंड फॉर टारगेट मीन्स आपका बस ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि आपको एक मैच जीतना है, एक मैच नहीं जीतना है आपको। आप अगर कोई टूर्नामेंट खेलने गए हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको उस टूर्नामेंट को ही जीतना है, ये नहीं कि आपको बस एक मैच जीतना है, ठीक है। आप अगर सोचोगे कि मुझे इस प्लेयर को आना है, ऐसा ये कोई टारगेट नहीं है। आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, मुझे इंडियन प्लेयर बनना है, मुझे इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि जब आप बड़े टारगेट रखते हो ना तो आप उसके लिए काम भी करते हो। अगर आप टारगेट रख लिया और उसके लिए आप काम नहीं कर रहे हो तो आपका टारगेट भी फिर कोई वर्थ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है, बट उसके लिए आपको उतना वर्क भी करना पड़ेगा। ऐसी कोई बट टारगेट बनाने से नहीं होता है, आपने ड्रीम देख लिया कि मुझे ये करना है, वहाँ पहुँचना, ऐसा नहीं होता है। आपको उस चीज़ के लिए करना पड़ेगा, तभी आप जाकर वहाँ तक पहुँचोगे। O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी मीन्स बैडमिंटन आप जब खेलो तो आप देखोगे कि आपको शटल बहुत समय ऐसा होता है कि आपको इतनी हाइट पे मिलते हैं जिसमें आप टैप कर सकते हो, फिर भी आप टैप ना करके आप क्या करते हो, ड्रॉप मार देते हो। यानी कि बहुत सारे ऐसे शॉट आते हैं आपके पास जिसमें आपका पॉइंट होता है, आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि आपको 100% आपका पॉइंट होता है, बट क्या होता है, आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हो, उस पॉइंट को गवा देते हो, यानी कि उस पॉइंट को लूज कर देते हो। क्यों करते हो वो? क्योंकि आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस होता है और उसमें आप फिर उसको ऐसे ही कहीं ना कहीं मार देते हो, इसकी वजह से आप वो पॉइंट लूज कर देते हो। तो आपको ध्यान देना है कि जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिला कि आपने एक पॉइंट ले सकते थे, आपका ही वो पॉइंट था, और उस टाइम पे अगर आपने वो पॉइंट दे दिया ना, तो आप याद रखना कि आपने एक पॉइंट लूज नहीं किया बल्कि दो पॉइंट लूज किया है, एक वो जो आप ले सकते थे और दूसरा वो जो सामने वालों को नहीं देना था। मीन्स आपका एक पॉइंट था जो आप नहीं लिए और एक आप सामने वाले को दे दिए, तो आपने एक पॉइंट ना लूज करके दो पॉइंट लूज किया। तो आपको कभी भी अपना अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना है, आपको जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको वहाँ पर ग्रैब करो। नाउ लास्ट एंड स्टैंड फॉर द नेवर गिव अप मीन्स अगर आपका किसी के साथ मैच हो रहा है और वो 15 पॉइंट्स के लीड्स पे, यानी कि मान लो 15-5 पॉइंट्स है, फिर भी आपको गिव अप नहीं करना है। अगर वो 7-0 है, आपका 0 है, तो भी आपको गिव अप नहीं करना है। आपको हमेशा कामली एक्ट करना है और आपको बस ये सोचना है कि ठीक है कोई बात नहीं, आई विल जस्ट कम बैक, ठीक है। अगर आप हार मान जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा हार तभी होता है जब आप मन से हार जाते हो, तो अगर आप मन से हार गए तो आप फिर मैच नहीं जीत सकते हो। तो आपको मन से नहीं हारना है जब तक आपका 21 पॉइंट्स ना हो जाए, मीन्स जब तक आप रियल में ना हार जाओ ना, तो आपको एक एक पॉइंट्स के लिए लड़ना है। और आप एक एक पॉइंट्स के लिए लड़ोगे ना, तो आप मैं बोलता हूँ कि आप उस पॉइंट्स पर जीत सकते हो। तो आपको क्या नहीं करना है, कभी भी हार नहीं मानना है। सामने वाला कितना भी अच्छा हो ना, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप हार नहीं मानते हो, तो आप मैं आपको बोलता हूँ कि आप वो मैच भी जीत सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारा जगह देखा है जो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी हारे हैं। वो क्यों हारते हैं? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो मैच हार मान जाते हैं। क्यों? अगर वो 4-5 पॉइंट से लीड छोड़ दिए तो वो हार मान जाते हैं। तो आपको कभी भी हार नहीं मानना है लास्ट पॉइंट तक। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।